नमस्कार एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास शुरू होने वाली है, तो सभी लोग जुड़ेंगे, उसके बाद हम क्लास को शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है नंबर एक कि निम्न पक्षियों में से उत्तराखंड का राज्य पक्षी कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोनाल। तो मोनाल के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं कि जो मोनाल पक्षी है वो 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक हो गया। तो मोनाल में जो नर होता है, जो नर पक्षी होता है उसे डफिया कहा जाता है, उसे डफिया कहा जाता है, और जो मादा होती है उसको कहा जाता है मोनाल। ठीक। और इसका जो प्रिय भोजन होता है वो होता है आलू, आलू इसका प्रिय भोजन होता है। ठीक। और ये उत्तराखंड के अतिरिक्त जो है हिमाचल प्रदेश और क्या कहते हैं नेपाल का भी राज्य पक्षी है। अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प क्या है। तो उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प है वो है ब्रह्म कमल। और ब्रह्म कमल के बारे में कुछ और जानकारी रहेंगी, जैसे कि ब्रह्म कमल आपका 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है ये। ठीक। और उत्तराखंड में जो है इसकी कुल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में। और विश्व स्तर पर अगर इसकी प्रजातियों की बात करेंगे तो 210 प्रजातियां इसकी विश्व स्तर पर पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में यह जो है पाया जाता है कहाँ कहाँ, यानी कि केदारनाथ की घाटी में और फूलों की घाटी, इन क्षेत्रों में से पाया जाता है। तो इसको स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है कोल पदम कहा जाता है। जबकि महाभारत में इसके लिए शब्द यूज हुआ है सौगंधिक पुष्प शब्द का यूज हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नंबर तीसरा प्रश्न है कि अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है। बड़ा सरल सा प्रश्न है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य है कहाँ है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में है। तो अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना हुई थी 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 600 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, 600 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। तो ये बड़ी विशेषता है इसकी, यहाँ पर सर्वाधिक कस्तूरी मृग जो है केदारनाथ अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड यानी कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय भोजन हमने पहले बता दिया क्या है, आलू। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कांचुला खर्क के बारे में, यानी कि कांचुला खर्क क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांचुला खर्क क्या है, कस्तूरी मृग एवं प्रजनन केंद्र। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ है, चमोली ज़िले में है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बड़ा सरल सा प्रश्न है, कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, 24 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड जो है राज्य में पाई जाती हैं। ठीक। अगला प्रश्न है राज्य वृक्ष बुरांस में फूल कब लगते हैं। तो बुरांस में फूल कब लगते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुरांस में फूल लगते हैं फरवरी से अप्रैल के बीच में। तो बुरांस के बारे में ज़रा जान लेते हैं। तो बुरांस वृक्ष जो है वो 1500 से आपका 4000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है ये। और वर्ष है 1974 में बुरांस वृक्ष की कटाई को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि संरक्षित वन घोषित कर दिया था बुरांस क्षेत्र को। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा राज्य में एक बड़ा सरल सा प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने ज़िले हैं। सरल सा जवाब, यानी कि 13 ज़िले हैं उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड किया गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 जनवरी 2007 से जो है उत्तरांचल को उत्तराखंड कहा जाने लगा।
नए राज्य उत्तराखंड का जो निर्माण है कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को जो है। अगला प्रश्न है 11वां कि उत्तराखंड में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी एन की चक्राता। इसके अलावा एक सीट और है, वो कौन सी है? नानक मत्ता सीट होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां है, नीचे दो वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से आपको एक सही चुनना है। तो वाक्यांश ये है, 12वां प्रश्न है ये, उत्तराखंड राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। तो इसका मतलब ये क्या है? सही जवाब हो गया। और दूसरा प्रश्न क्या है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधानसभा है, तो ये गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए सही और आर गलत। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक उत्तरांचल का जिला नहीं है, उत्तराखंड का जिला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रुड़की नहीं है, रुड़की एक शहर है। तो बाकी ये आपके रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर और बागेश्वर, ये ज़िले हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है ग्राम सभा की स्थापना? राज्य सरकार के द्वारा ये स्थापना की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, राज्य में कितने नगर निगम हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, हम इसके हिसाब से यानी कि अभी तक हम 8 ही सही करेंगे, यानी कि सी आंसर सही करेंगे, लेकिन 9वां जो है श्रीनगर को बनाने की बात हो रही है। श्रीनगर को नगर निगम का दर्जा दे दिया गया है, तो 9 हो जाएंगे तत्पश्चात। ठीक, तो फिलहाल 8 रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किसी नगर निगम का नगर प्रमुख, यानी कि किसी नगर के नगर प्रमुख को चुनने का काम कौन करता है? तो उसको देखते हैं ऑप्शन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। सर सभासदों द्वारा निर्वाचित होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो चुनाव आंसर क्या होगा? सही, स्थानीय जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी चयन हेतु राज्य सरकार ने किस आयोग को बनाया था? तो कौन सा आयोग बनाया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दीक्षित आयोग। तो जो कौशिक आयोग बना था वो किसके लिए बना था? वो किसने बनाया था? यूपी सरकार ने बनाया था उसको, मुलायम सिंह सरकार ने। ठीक, तो अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य गठन की तिथि बतानी है, तो जाहिर सी बात है 9 नवंबर 2001 को जो है उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा एक जिला नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बिजनौर। बिजनौर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, बाकी ये सारे उत्तराखंड के ज़िले हैं। 20वां प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत सतीज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30% जो है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, यानी कि उत्तरांचल विधानसभा में यानी कि एक सदस्य जो है नामित किया जाता है, तो किस समुदाय से नामित होता है? तो इसका राइट आंसर है एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित होता है, परंतु वर्तमान जो विधानसभा है उसमें इसको नामित नहीं किया गया है, यानी कि अब ये वाला जो नामित सदस्य है इसे हटा दिया गया है। ठीक, अगला 22वां प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का कौन से नंबर का राज्य है? तो इसका राइट आंसर है 27वें नंबर का राज्य है। ठीक, अगला है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ? नैनीताल में स्थित है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य उच्च न्यायालय के अध्यक्ष सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या बताइए, तो ये तो कोई निश्चित होती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसके हिसाब से अगर हम आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, लेकिन वर्तमान में शायद 8+1 है, यानी कि 9 होंगे शायद इस बार वर्तमान में, लेकिन ये
ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आंसर इस हिसाब से जो आंसर है वो 11 इसका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है? तो आपको इसमें से बताना है कि इन चार क्षेत्रों में से गढ़वाल में कौन नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बागेश्वर जो है किसमें है, कुमाऊं में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 26वां, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो करेक्ट आंसर इसका है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री, यानी कि बात हो रही है नित्यानंद स्वामी की। ठीक, अगला 27वां प्रश्न है, पंचायती राज, बहुत अच्छा प्रश्न है, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, कितने प्रतिशत का? इसका राइट आंसर है 50% का। तो इस समय सीएम थे हमारे कौन, बीसी खंडूरी, बीसी खंडूरी जी इस समय हमारे उत्तराखंड के सीएम थे, तो तब जो है ये काम किया गया था। राज्य पक्षी मोनाल किस ऊंचाई पर मिलता है? बिल्कुल करेक्ट, अच्छा जवाब है। ये प्रश्न हमने किया था, पर हमने इसको किया था मीटर में, लेकिन ये क्या है, फिट में दिया गया है। तो 8000 से 20000 फिट की ऊंचाई पर पाया जाता है मोनाल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका, शिव को चढ़ाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, 2011 में राज्य में सृजित एक नया विभाग, तो एक नया विभाग बताना है, तो नया विभाग कौन सा है? ये है स्वराज भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में पहली महिला उपाध्यक्ष बतानी है, तो पहली महिला उपाध्यक्ष कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजया वर्थवाल, इसका राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा, बहुत ही अच्छा आंसर, द्वितीय राजभाषा कौन सी है? संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया गया है, और दूसरा प्रश्न भी सेम उसी तरह का है, यानी कि संस्कृत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची एक और सूची दो में मिलान करना है, तो हॉलबाग कहाँ है? हॉलबाग है कहाँ आपका, अल्मोड़ा में है, और उसके बाद डुंडा उत्तरकाशी में, उखलकांडा नैनीताल, और खानपुर हरिद्वार में, ये मिलान करना है आपने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? चमोली का। सबसे कम कितना किसका है? चंपावत का। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल ये है। अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षेत्रफल में घटते क्रम के आधार पर राज्यों के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम बताना है, तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल सबसे पहले आएगा, यानी कि चमोली सबसे ज़्यादा है, और दूसरे नंबर पर है उत्तरकाशी, तो ये सही जा रहा है ऑप्शन, और तीसरे में पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से SC की सीट बतानी है, कितनी सीटें हैं SC के लिए, रिजर्व अनुसूचित जाति के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि एक सीट रिजर्व है, कौन सी? अल्मोड़ा लोकसभा सीट जो है, अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 38वां प्रश्न है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे आपके सुरजीत सिंह बरनाला, पहले राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला, राइट आंसर होगा। 39वां प्रश्न है कि उत्तराखंड में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, वो भी कहाँ, पंचायतों में, ये प्रश्न हमने पहले किया है, तो कितना प्रतिशत है, 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य सेवा में SC ST और OBC के लिए आरक्षण दिया गया है, कितने प्रतिशत का आरक्षण दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि SC के लिए है 19% और ST के लिए है 4 और OBC के लिए है 14, 19, 4, 14, ये इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए धन्यवाद।